गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट का एक चैप्टर बजट एंड बजटरी कंट्रोल, टॉपिक कैश बजट का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रॉब्लम। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश बजट फॉर 3 मंथ, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। हमको कैश बजट बनाना है सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का। इन्फॉर्मेशन देखिए थोड़ा सा बेसी दिया हुआ है, जुलाई अगस्त से दिया हुआ है। ये रहा सेल्स, सेल्स से कलेक्शन होता है, परचेज, परचेज मतलब पेमेंट करना होगा, वेजेज, फैक्ट्री एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, ये तीनों एक्सपेंस है, इनके लिए भी हमको कैश पे करना पड़ेगा। यहाँ देखिए सेल्स कमीशन 5% देना होगा सेल्स के ऊपर, ये जो सेल है इसके ऊपर 5% कमीशन होगा, विच इज ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड। तो 5% सेल पे कमीशन देंगे, वो कब देंगे, जिस मंथ में सेल्स का कलेक्शन हो जाएगा उसके नेक्स्ट मंथ में। और ये ऑफिस एक्सपेंस से अलग होगा, इसका ऑफिस एक्सपेंस से कोई लिंक नहीं माना जाएगा। यहां देखिए डेटर 2 मंथ है, इसका मतलब जुलाई का जो डेटर है जुलाई में पैसा नहीं देगा, अगस्त में नहीं देगा, सितंबर में देगा। तो इसका जुलाई का कमीशन हम लोग अक्टूबर में देंगे। क्लियर है? यहां देखिए 5% ऑन सेल विच इज ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड। तो जुलाई का पैसा 2 महीना बाद सितंबर में मिलेगा, तो हम लोग जुलाई वाला कमीशन अक्टूबर में देंगे, तो अगस्त वाला नवंबर में, ऐसे करके कंटिन्यू करेगा। 1 मंथ क्रेडिट ऑब्टेन फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर से परचेज किए थे इसको 1 महीना बाद पैसा देंगे, इसका मतलब जुलाई वाला अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, सितंबर वाला अक्टूबर में, एंड सो ऑन। वेजेज 1 तारीख और 16 तारीख को देते हैं, 1 तारीख और 16 तारीख कहने का मतलब 15 दिन का वेजेज पे करते हैं, 1 से 16 15 दिन का पे करेंगे और 16 से 30 नेक्स्ट मंथ पे करेंगे। इसका मतलब होता है हाफ ड्यू एंड हाफ पेड। इट मींस सितंबर मंथ में वेजेज इसका हाफ देंगे, ऊपर से हाफ देंगे, अक्टूबर में इसका हाफ देंगे और ऊपर से हाफ देंगे, इसी का मतलब होता है 1 एंड 16 ईच मंथ। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस आर पेड इन द मंथ इन विच दे आर ड्यू, ऑफिस एक्सपेंस जिस मंथ का है उसी मंथ में पे करेंगे, यहां कोई लैग नहीं होगा, जिस मंथ में ड्यू होगा उसी मंथ में पे किया जाएगा। अदर एक्सपेंस आर पेड इन द मंथ, अदर एक्सपेंस में ये भी आएगा, तो 2 एक्सपेंस बचा हुआ था, फैक्ट्री एंड ऑफिस दोनों सेम मंथ दे देंगे, जिस मंथ का खर्चा है उसी मंथ में पे करेंगे। यहां देखिए कोई एसेट्स परचेज किए थे, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में था, ₹1250 देना है पर मंथ, तो पर मंथ 1250। तो जो हम लोग 3 मंथ का बनाएंगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तीनों मंथ में ₹1250 इंस्टॉलमेंट के नाम से लिखेंगे। अच्छा, कैश बजट को स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग कैश बैलेंस चाहिए, वो देखिए यहाँ सितंबर का दिया हुआ है। जब सितंबर का आंसर निकल जाएगा दैट इज क्लोजिंग कैश ऑफ सितंबर, तो वो अक्टूबर का ओपनिंग होगा, अक्टूबर का क्लोजिंग निकलेगा तो नवंबर का ओपनिंग होगा, तो ऐसे करके कैश बजट बन जाएगा। ठीक है, आइए देखिए कैसे बनता है। ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट पर्टिकुलर सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस आपका दिया हुआ था 15,200, 15,200, और ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें लाएंगे एड रिसिप्ट्स में पहला आइटम होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, जो सेल किए थे वो क्रेडिट था, तो 2 महीना बाद डेटर देगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर।
इसका मतलब जुलाई वाला पैसा जुलाई अगस्त नहीं मिलेगा, सितंबर में मिलेगा। तो यहाँ लाते हैं 50,000, उसके बाद 65,000 और उसके बाद आपका 70,000। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये देख लीजिए आप, जुलाई का पैसा अगस्त में नहीं मिलेगा, 2 महीना का टाइम है। तो जुलाई वाला सितंबर में, अगस्त वाला अक्टूबर में और सितंबर वाला नवंबर में। ओके, ये सेल से कलेक्शन हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, कलेक्शन के अलावा और कोई रिसीट्स नहीं है, इसको यहाँ प्लस करने का जगह ले लेते हैं। लेस पेमेंट्स, लेस पेमेंट, लेस पेमेंट्स में पहला आइटम पेड टू क्रेडिटर, क्रेडिटर से गुड्स खरीदेंगे तो उसको पेमेंट देना है 1 मंथ आफ्टर। इसका मतलब अगस्त वाला सितंबर, ये अक्टूबर, ये नवंबर, दैट इज 32,500, 37,200 एंड 29,500। इसके बाद लाते हैं वेजेज, वेजेज तो आपको बोला था 1 एंड 16 आधा देना है और आधा उसके बाद देना है। तो वेजेज में 3,900 का आधा 1950 और ऊपर से 1850, दैट इज 3,800। उसके बाद 2,100 और 1950, दैट इज 4,050। उसके बाद 2,250 और 2,100, 2,250 और 2,100, 4,350। ठीक है, तो आधा करेंट मंथ का, आधा प्रीवियस मंथ का। इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंस तो सेम मंथ बोला है, फैक्ट्री एक्सपेंस सेम मंथ बोला है और ऑफिस एक्सपेंस सेम मंथ बोला है। बोला है जिस मंथ में ड्यू है उसी मंथ में पेमेंट हो जाएगा। 3,450, 3,600 और 3,700। ऑफिस एक्सपेंस होगा 4,350, 4,420 एंड 4,800। तो जिस मंथ का वेजेस था वे फैक्ट्री एक्सपेंस था उसी मंथ में दिए, जिस मंथ का ऑफिस एक्सपेंस था उसी मंथ में पेमेंट कर दिए। क्लियर। तो एक नंबर ऑफ सेल्स कमीशन लाते हैं। सेल्स कमीशन जिस मंथ में कलेक्शन होगा उसके बाद मंथ में देंगे, तो 2 महीना बाद कलेक्शन होगा, इसका मतलब कमीशन 3 महीना बाद देंगे। तो जुलाई वाला सेल के ऊपर कलेक्शन सितंबर में होगा, कमीशन अक्टूबर में देंगे, दैट इज 2,500 और 3,250। ठीक है, आप एक बार देख लो। सेल्स कमीशन 5% ऑन सेल विच इज ड्यू इन द मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच सेल्स ड्यूज आर कलेक्टेड। तो सेल ड्यू 2 महीना बाद कलेक्ट होता है, तो कमीशन उसके 1 महीना, दैट इज 3 मंथ। तो जुलाई वाला सेल कलेक्शन हुआ सितंबर में, अब पैसा देंगे अक्टूबर में। तो इसका मतलब सितंबर वाला कमीशन नहीं दे पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद ले आते हैं इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट पेड। इंस्टॉलमेंट का पैसा था पर मंथ 1,250, 1,250, 1,250। ओके, और कोई एक्सपेंस या पेमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पेमेंट को ऐड कर दिया जाएगा, उसके बाद टोटल नीचे लाएंगे तो आंसर क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं, ये देख लीजिए। तो सबसे पहले रिसीट्स को जोड़ते हैं, ये रिसीट्स का टोटल हो जाएगा 65,200। पेमेंट को जोड़ते हैं आपका, पेमेंट आपका 32,500, 3,800, 3,450, 4,350, 1,250,
45,350 और रिसीट हुआ था आपका 65,200। यहां लाते हैं क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसमें से माइनस कर देंगे 65,200 19,850। तो ये देखिए कैसे आया, पहले रिसीट्स को प्लस कर लिए, पेमेंट को प्लस कर दिए, रिसीट्स पेमेंट का डिफरेंस, ये 19,850 यहां का ओपनिंग हो जाएगा 19,850, ये हो जाएगा 84,850। अब इसके बाद पेमेंट को प्लस करेंगे 37,200 4,050 3,600 4,420 2,500 1,250 53,020। अब वो रिसीट्स को यहाँ लाते हैं 84,850 से उसको माइनस करेंगे 31,830 और ये 31,830 इसका ओपनिंग हो जाएगा 31,830। अब इसको प्लस कर देते हैं 101,830, टोटल को ले आते हैं 101,830, पेमेंट को प्लस करते हैं 29,500 4,350 3,700 4,800 3,250 1,250 46,850 माइनस कर देंगे 101,830 आंसर विल बी 54,980। रिसीट्स को ऐड कर लेते हैं, पेमेंट को ऐड कर लेते हैं, रिसीट्स पेमेंट का डिफरेंस ही क्लोजिंग कैश बैलेंस कहलाएगा, सितंबर का क्लोजिंग अक्टूबर का ओपनिंग बन जाएगा, क्लियर। अच्छा, अक्टूबर का क्लोजिंग नवंबर का ओपनिंग बन जाएगा और ये आ गया नवंबर का क्लोजिंग, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।